हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। मेरा आज का जो वीडियो है इंडियन आर्मी, जी हाँ इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर 111 सब एरियाज वेस्ट बंगाल स्टेशन हेडक्वार्टर हेडस्मार वेस्ट बंगाल, इसके अलावा स्टेशन हेडक्वार्टर गंगटोक सिक्किम में जो आप लोग की रिक्रूटमेंट निकली हुई, पूरी जानकारी मैं आप लोग अपने इस वीडियो में देने वाला। वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 LDC मैसेंजर और सफाई वाला की आप लोग की वैकेंसी है, इंडियन आर्मी की वेबसाइट है और आप लोग का नोटिस जो है इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आ चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का जो है नोटिस चल रहा है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आप लोग का जो है नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। जी हाँ, ये है आप लोगों का नोटिफिकेशन जो कि इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आ चुका है। पूरी जानकारी मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में देने वाला। वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। इसके अलावा इसमें ऑफलाइन अप्लाई भी आप लोग के स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसके ऑफलाइन अप्लाई का वीडियो भी मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगा। लेकिन इससे पहले आप लोग रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी ले लीजिए, आप लोग की रिक्रूटमेंट आप लोग की वेबसाइट पर आ चुकी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेडक्वार्टर 111 सब एरियाज वेस्ट बंगाल स्टेशन हेडक्वार्टर हेसमार वेस्ट बंगाल और स्टेशन हेडक्वार्टर गंगटोक सिक्किम में आप लोग की वैकेंसी है। एप्लीकेशन जो है आप लोग के 20 नवंबर 2021 लास्ट डेट आप लोग की जो है 20 नवंबर 2021 रहने वाली है। 20 नवंबर 2021 से पहले पहले आप लोग के फॉर्म पहुंच जाने चाहिए। इसके अलावा यदि आप लोग कैंडिडेट हैं आसाम मेघालय अरुणाचल प्रदेश मिजोरम मणिपुर नागालैंड त्रिपुरा सिक्किम लद्दाख लाहौल एंड स्प्लिट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजी डिवीजन ऑफ चांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख अंडमान निकोबार आइसलैंड लक्षद्वीप, आप लोग 27 नवंबर तक फॉर्म को भेज सकते हैं। फॉर्म आप लोग स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजेंगे, इसकी जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तो एप्लीकेशन आप लोग को इन्वाइट किया गया है, ठीक है। इसमें आप लोग ग्रुप सी की वैकेंसी है, कर्नल जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर 111 सब एरियाज डूबी मिलिट्री स्टेशन वेस्ट बंगाल में आप लोग को भेजना है, ठीक है। ये आप लोग का एड्रेस है, रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट से ही आप लोग भेजेंगे। किसी और मोड से आप लोग जो है एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भेजेंगे। 21 डेज आप लोग की लास्ट डेट है, जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया है। यहाँ पे 20 नवंबर तक आप लोग के फॉर्म पहुँच जाने चाहिए और यदि आप लोग इन डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो 27 नवंबर तक आप लोग के फॉर्म पहुँच जाने चाहिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं, स्टेनोग्राफर की एक वैकेंसी है जिसका कि लोकेशन आप लोग का रहेगा हेडक्वार्टर 111 सब एरिया बेंगुड़ी। तो इसमें आप लोग की सैलरी दी हुई है 25,500 से 81,101। वैकेंसी जनरल की, SC ST OBC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जनरल में, और इसमें यदि आप लोग 12th पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार से LDC यानी कि लोअर डिविजन कलर की एक वैकेंसी है स्टेशन हेडक्वार्टर हेसमीमारा में, ठीक है। एक वैकेंसी जनरल की है, SC ST OBC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 19,900 से 63,200 सैलरी है, 12th पास है तो आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैसेंजर की 3 वैकेंसी है हेडक्वार्टर 111 सब एरिया बेंगडूबी, इसके अलावा स्टेशन हेडक्वार्टर गंगटोक में है, आप लोग की एक एक वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। जनरल की वैकेंसी है, SC ST OBC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 18,000 से 56,900 सैलरी है, 10th पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मैसेंजर के लिए ओनली 10th पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सफाई वाले के लिए भी एक वैकेंसी है जो कि हेडक्वार्टर 111 सब एरिया बेंगडूबी में है आप लोग की, ठीक है। एक वैकेंसी है जनरल की, SC ST OBC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 से आप लोग की 56,900 सैलरी रहने वाली, 12th पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मैसेंजर और सफाई वाला के लिए आप लोग 10th पास है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैसेंजर की 3 वैकेंसी आप लोग की है। इसके अलावा आप लोग को बताया गया डेट ऑफ फिजिकल प्रैक्टिकल स्किल एंड रिटन एग्जाम, तो आप लोग का यहाँ पे फिजिकल या फिर प्रैक्टिकल या फिर स्किल टेस्ट और साथ में सभी का होने वाला है यहाँ पे रिटन एग्जाम, ठीक है। तो फिजिकल रिटन एग्जाम के बारे में आप लोगों को सूचित किया जाएगा, ठीक है। कॉल लेटर वगैरह आप लोगों को सेंड किया जाएगा। नेशनलिटी यदि आप लोग इंडियन नागरिक है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एज की जानकारी आप लोगों को दी जाए तो किसी भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे। 18 से 25 साल आप लोग की एज है यदि आप लोग जनरल में है, और OBC की एक वैकेंसी है तो उसमें आप लोग 18 से 28 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं OBC वाले, ठीक है। किसी और अदर कैटेगरी से आप लोग हैं जनरल में अप्लाई करेंगे तो 18 से 25 साल ही आप लोग की एज रहने वाली है, ठीक है। और इसी प्रकार से आप लोग को बेनिफिट्स मिलेंगे जम्मू कश्मीर जो माइग्रेंट वगैरह है। इसके अलावा ऑल कैंडिडेट्स, जी हाँ ऑल कैंडिडेट्स यहाँ पे 21 डेज, जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया 20 नवंबर तक आप लोग के फॉर्म यहाँ पे पहुँच जाने चाहिए। और यहाँ पे जो लद्दाख रीजन जो आप लोग के स्टेट वगैरह दिए गए, 28 डेज आप लोग की जो है यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली, तो लास्ट डेट को ही आप लोग की एज काउंट होंगी, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। जी हाँ लास्ट डेट को ही आप लोग की एज काउंट होगी। इसके अलावा मिनिमम एजेंशियल क्वालिफिकेशन की जानकारी दी जाए तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 12th पास है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोग को जो है डिक्टेंशन होगी 10 मिनट की, 80 वर्ड पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन आप लोग 50 मिनट, इंग्लिश
30-65 मिनट आप लोग की जो है हिंदी ऑन कंप्यूटर पे होने वाली। इसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12th पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग की यहाँ पे इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आप लोग की यहाँ पे स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर, ठीक है। आप लोग को जो है कि डिस्क्रिप्शन वगैरह दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा बेसिक जानकारी आप लोग की कंप्यूटर की होनी चाहिए। मैसेंजर के लिए ओनली और ओनली यदि आप लोग 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। सफाई वाले के लिए ओनली और ओनली 10th पास है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके अलावा आप लोग को बताया गया है कॉपी आप लोग जो सभी डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह आप लोग सेंड करेंगे, ठीक है, और इसमें आप लोग बिल्कुल क्लियर कर दिया। इसके अलावा आप लोगों ने यदि फॉर्म भेज दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग के एडमिट कार्ड आने वाले हैं। फॉर्म यदि बहुत ज़्यादा पहुंचेंगे तो आप लोग का स्क्रीनिंग किया जाएगा जो कि आप लोग के एजुकेशन के बेस पर होने वाला है। और यहाँ पे आप लोग का जो है रेशो रेशो रहने वाला है 1:50 का रेशो रहने वाली है। एक सीट पे 50 कैंडिडेट रहेंगे बुलाए जाएंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और लोअर डिवीजन क्लर्क और सफाई वाला की पोस्ट के लिए। इसके अलावा एक सीट पे 75 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे मैसेंजर की पोस्ट के लिए, ठीक है। ये आप लोग को डिटेल दे दी गई। इसके अलावा आप लोग को जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट की जानकारी दी है, जो भी आप लोग के पोस्ट के लिए सुटेबल होगा वो आप लोग उसे करवाया जाएगा। स्टेनोग्राफर के लिए आप लोग का स्किल टेस्ट होने वाला है 10 मिनट, डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट मैंने आप लोग को बता दिया, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी होना चाहिए कंप्यूटर में। LDC के लिए आप लोग की टाइपिंग की जानकारी होनी चाहिए, यदि इंग्लिश में करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आप लोग की यहाँ पे स्पीड होनी चाहिए क्योंकि आप लोग की टाइपिंग देखी जाएगी। इसके अलावा मैसेंजर के लिए आप लोग के पास जो है ड्राइविंग ए पैडल साइकिल ऑफ 200 मीटर यानी कि साइकिल की जानकारी चलाने की जानकारी होनी चाहिए 200 मीटर तक, ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एबिलिटी टू रीड राइट एवरेज फिजिकल कंडीशन एंड एप्टीट्यूड टू जॉब मैसेंजर यानी कि आप लोगों को रीड राइट की लिखना पढ़ना यहाँ पे आना चाहिए और फिजिकली कंडीशन आप लोग जो ठीक ठाक होनी चाहिए मैसेंजर की जॉब के लिए। इसके अलावा सफाई वाला की पोस्ट के लिए आप लोगों को हाउस कीपिंग की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को हाइजीन और क्लीनिंग मटेरियल वगैरह की जानकारी होनी चाहिए ओनली, ठीक है, सफाई वाला की पोस्ट के लिए। तो सफाई वाला और मैसेंजर के लिए ओनली ओनली 10th पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की जानकारी आप लोग को दे दी है यानी कि फिजिकल और स्किल टेस्ट की जानकारी आप लोग को ऊपर मिल गई है। अब बात आती है आप लोग के रिटर्न एग्जाम की, तो मैसेंजर और सफाई वाला जो कि आप लोग की 10th पास पोस्ट है इसके लिए आप लोग की जो है यहाँ पे एग्जाम होने वाले रिटर्न एग्जाम। इसके अंतर्गत आप लोग की जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टी टू आएंगे 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, जनरल इंग्लिश आएगी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 35 क्वेश्चन 35 नंबर के आप लोग के यहाँ पे आने वाले। 1 घंटे का आप लोग का पेपर यहाँ पे होने वाला है यानी कि आप लोग के 100 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं 100 नंबर के, 1 घंटे का टाइम लेगा और पेपर आप लोग का 10th लेवल का होगा क्योंकि मैसेंजर और सफाई वाले की पोस्ट ओनली और ओनली 10th लेवल की ही है। इसके बाद आप लोग की LDC की वैकेंसी है। LDC में जो है आप लोग के 50 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के और 100 क्वेश्चन आप लोग के इंग्लिश के यहाँ पे आने वाले हैं, लैंग्वेज और इसके अलावा कंपरेंशन, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर यानी कि 200 क्वेश्चन आप लोग के 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 12th लेवल का आप लोग का यहाँ पे पेपर होने वाला है। जो पेपर आप लोग का होगा हेडक्वार्टर 111 सब एरियाज बेंगलुरु मिलिट्री स्टेशन वेस्ट बंगाल में ही आप लोग का होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ आप लोग को एड्रेस दिया हुआ हेडक्वार्टर 111 सब एरियाज बेंगलुरु मिलिट्री स्टेशन वेस्ट बंगाल में ही होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होने वाला है। रीजनिंग आप लोग की 50 क्वेश्चन 50 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपरेंशन 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आने वाले। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश में ही मिलेगा, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, 2 घंटे का पेपर होगा, 12th पास है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा किसी प्रकार गलत कार्य वगैरह करते हुए पाए जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और डेट ऑफ फिजिकल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट की जानकारी आप लोग को जो है कॉल लेटर वगैरह सेंड किया जाएगा, ठीक है। जैसा भी बोर्ड डिसाइड करेगा उसके अनुसार आप लोग को कॉल लेटर सेंड किया जाएगा। इसके अलावा आप लोग को एड्रेस बता दिया गया है, कर्नल जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर 111 सब एरियाज बेंगलुरु मिलिट्री स्टेशन पोस्ट बेंगुड़ी डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, ठीक है। पिन कोड आप लोग को दिया गया है, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्ट्रिक्ट पोस्ट ही आप लोग सेंड करेंगे। इसके अलावा बाई हैंड आप लोग के पोस्ट एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, चाहे आप लोग दार्जिलिंग में ही क्यों ना रहते हो, आप लोग को स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है। DATA आप लोग को नहीं मिलेगा एग्जाम देने जाएंगे तो, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोग को लिखना पड़ेगा बाहर वाले लिफाफे पे। इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोग को ऑफलाइन अप्लाई वाली वीडियो में दे दूंगा, तो यदि चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी प्रकार के आप लोग को दिक्कत ना हो ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करने में। इसके अलावा आप लोग को सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं और 12x18 सेंटीमीटर का जो है सेल्फ एड्रेस आप लोग को एक एनवेलप सेंड करना जिसमें कि 25 रुपये का आप लोग को डाक टिकट लगाओ, यानी कि एक लिफाफा आप लोग को अंदर भी डालना जिसमें 25 रुपये का डाक टिकट और आप लोग का एड्रेस लिखा हो। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट विलिंगनेस सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड आप लोग के ID प्रूफ वगैरह एजुकेशन सर्टिफिकेट फोटो कॉपी ऑफ डिस्चार्ज डोमिसाइल 3 एडिशनल फोटो यानी कि 3 फोटो भी आप लोग को सेंड करना है। ये सारी चीज़ें आप लोग को भेजने, जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग भेजेंगे सभी आप लोग सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे।
ठीक है, यदि आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे डेंट दी गई, यदि आप लोग एससी एसटी से हैं तो आप लोग को जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह रिजेक्टेशन का कारण आप लोग को बता दिया, क्यों आप लोग के फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग देख लें, कुछ पता ना चले तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा रिटर्न टेस्ट कंडक्ट ऑन ओएमआर सीट, ओएमआर बेस आप लोग का एग्जाम होगा, ऑनलाइन आप लोग का एग्जाम नहीं होने वाला, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोई रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी वुमेन कैंडिडेट को। ठीक है, इसके अलावा आप लोग को जो है जो अभी आप लोग का कंडक्ट कराया जाएगा टेस्ट, वो आप लोग का हेडक्वार्टर 111 सब एरिया बिंगुड़ी वेस्ट बंगाल में ही आप लोग का होने वाला है। ठीक है, वैकेंसी डिक्रीज और इंक्रीज की जाती है, सारे राइट्स जो है अभी डिपार्टमेंट के पास आप लोगों के होने वाले हैं। इसके बाद जो आप लोगों के फॉर्म की डिटेल दी गई, फॉर्म की डिटेल मैं आप लोग को ऑफलाइन अप्लाई वाले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि किसी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप लोग वैकेंसी रीड कीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछिए। ऑफलाइन अप्लाई का वीडियो भी मैं आप लोग के लिए लेके आने वाला हूँ, बट अब भी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जान से पहले यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।